जी जनाब इकरार हसन साहब, एक ख़ानदान औरंगी टाउन से बदायूं साहब हमारे साथ मौजूद है और अजीब व गरीब कहानियाँ हैं। हम अब ज़ाहिर रोज़ाना जब मिलते हैं ऐसे अफराद से, ऐसे ख़ानदानों से, तो अंदाज़ा होता है कि मुआशरे में, यहाँ के गली कूचों में, यहाँ के कस्बों में, यहाँ की कच्ची आबादियों में कैसी कैसी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। एक ऐसी ही कहानी है, समी 13 साल का ये बच्चा, लेकिन जब ये वाकया उसके साथ पेश आया, जो मौजूद नहीं है, अच्छा अच्छा, जब ये वाकया उसके साथ पेश आया तो वो 11.5 बरस का था। तो ये क्या मामला है, पस मंज़र क्या है सारी दास्तान का, इस कहानी का, आप, मैं और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, सारे बरनी ट्रस्ट का इसमें क्या किरदार है? सारे बरनी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक पैकेज दिखाते हैं और फिर ज़रा बातचीत को आगे बढ़ाएं। ठीक ठीक, तेरह साला समी के वालिद औरंगी टाउन जैसे पसमानदा इलाके में रंग करने का काम करते हैं। ज़ईफ भी हैं, लागर भी हैं और जिंदगी के दुखों के सताए हुए भी, सो काम कम कम ही मिलता है। इकलौता बेटा जो जूते बनाने की फैक्ट्री में काम सीख कर बाप की उम्मीद बन रहा था, 1.5 साल पहले पुलिस ने धर लिया। उसका जुर्म ये था कि एक वारदात के मकाम पर डर कर रुकने वाली मोटरसाइकिल्स में से एक मोटरसाइकिल पर वो एक दोस्त के पीछे बैठा था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा में आने वाले सभी अफराद को पकड़ लिया, सब एक एक करके बेगुनाह साबित हुए और रिहा हो गए। लेकिन समी के गरीब बाप में कोर्ट कचहरी के अखराजात का भारी बोझ उठाने की सकत ना थी, सो 1.5 साल से ये बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे के वाहिद सहारे का रास्ता तकते हैं। अभी क्या उम्मीद है आपको कि आएगा वापस, मिलेगा? देखिए, अल्लाह की जात जान सकती है और वही बेहतर करेगी। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मेरे पास इतना जर नहीं, गरीब आदमी है। आज कल भी मैंने काम रोका है, रोक के मैं पेशी में जाऊंगा। अच्छा, वही जिस दिन आप जाते हैं मिलने के लिए पेशी होती है, उस दिन दिहाड़ी भी नहीं उठाए नहीं, और फिर जाएंगे? हाँ, फिर कल जाएंगे पेशी में। कहाँ कहाँ गए, किस किस से आपने दरख्वास्त की, क्या किया इसके हाई के लिए? नहीं, हम तो सिर्फ कोर्ट ही जा रहे थे और जेल जाते हैं, और किसको, गरीब आदमी कौन कौन पूछेगा, किसके पास जाएगा, मजदूर आदमी कौन सुनेगा? अब जिसके पास है तो भाई, वो तो लैंडलॉर्ड जो है भाई, 2 लाख 3 लाख 4 लाख दिया, छूट गया। औरंगी टाउन में इस छोटे से मकान का किराया 3,000 रुपये है। समी के बूढ़े वालिद उसकी रिहाई के लिए किए जाने वाले खर्च और घर के किराए के बाद राशन के पैसे भी नहीं बचा पाते, किसी के सामने दस्ते सवाल भी दराज नहीं करते। सो बूढ़े माँ बाप ये सोचते सोचते भूखे सो जाते हैं कि उनके लाडले ने भी खुदा जाने जेल में कुछ खाया होगा या नहीं। समी की जमानत भी मौजज जज साहब मंजूर कर चुके हैं, लेकिन बतौर जमानत 3 लाख रुपए के मचल के अदालत में जमा करवाने के बाद ही समी को रिहा किया जा सकेगा। क्या अजीब बात है, 1.5 साल से इकलौता बेटा इसलिए अपने माँ बाप से दूर है कि उसके गरीब बूढ़े माँ बाप के पास जमानत के 3 लाख रुपए नहीं। क्या हम इन गरीब बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं? ये है बतामी साहब मामला, 1.5 बरस हो गया और ये मेरी प्यारी सी बहन, बिल्कुल नहीं रोना आपने। मैंने कल पूछा तो कह रही थी मुझे तंग भी करता था, बट ज़ाहिर है भाई है, याद आता है। और बहुत मासूम सा बच्चा, 3 लाख रुपए इस ख़ानदान के लिए एक रकम है, नामुमकिन है तकरीबन। कुछ भी कर लें, कुछ भी बेच दें, किराए का घर है, जिस घर का किराया ये लोग 3,000 रुपये देते हैं और वो भी नहीं दे पाते हैं, वो 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? उनकी वालिदा से भी बात करते हैं, वालिद से भी बात करते हैं और फिर देखते हैं सारे बनी ट्रस्ट या हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं इसके लिए। 3 लाख रुपए की कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, आप जरा सारे कानूनी मसाइल हल हो गए, अब सिर्फ अमाउंट की अदायगी देखना है। इसका जज साहब ने जमानत दे दी और वो केस अब जाहिर चूंकि रजिस्टर्ड हो गया तो चलता रहेगा, लेकिन ये कि, और ये एक केस है बतामी साहब, इस तरह के हजारों लोग हैं, चंद 100 रुपए, चंद 1,000 रुपए नहीं है और सालों से पड़े सड़ रहे हैं जेलों के अंदर। तो ये बदकिस्मती है इस मुआशरे की। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? सही हैं। बेटे की याद आती है? हाँ, बेटे का याद आती है, बाहर आ जाए जल्दी, 13 साल का बच्चा। कोई बात नहीं, आप रोएं, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। क्या दुआ करती हैं अल्लाह ताला से? मैं दुआ करती हूँ जल्दी बाहर आ जाए, जल्दी बाहर आ जाए जी। बेगुनाह है? हाँ, बेगुनाह है। क्या करता था अभी? ये 7-5 साल से चप्पल का काम करता था। और स्कूल भी चौथी तक तो पढ़ा है, फोर्थ
नहीं नहीं पढ़ता था फिर छोड़ दिया पढ़ाई छोड़ दिया बहन जाती है स्कूल हाँ ये स्कूल जाती है आप स्कूल जाते हो जी किस क्लास में हो आप सेवन्थ में भाई याद आता है जी क्या याद आता है उसकी शरारतें ज्यादा याद आती हैं जो तंग करता था या जो प्यार करता था बहन से वो याद आता प्यार करते थे प्यार भी करता था आप दुआ मांगते हो अल्लाह ताला से जी क्या मांगते हो जल्द से जल्द बाहर आ जाए जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो क्या कहोगे पढ़ाई करेंगे कहने लगाओगी भाई को जल्दी आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वालिद भी बड़े खुशूर आदमी हैं और माशाल्लाह इस उम्र में इस सेहत में मेहनत मजदूरी का काम जारी है क्या क्या करते हैं पेंटर का रंग साफ का अच्छा अच्छा और माशाल्लाह बड़ी दिल दिलजमी अल्लाह ने चाहा आपकी जिंदगी में रंग भर जाएगा अभी भी आप देखें जो कपड़े हैं इन पे रंग के निशान आते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप तो बड़े हौसले वाले हैं जी माशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हौसला बुलंदी रहे अल्लाह रखे बेटे से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होना शुरू हो जाती है ना कि अब तो माशाल्लाह वो सीखना भी शुरू हो गया था काम माशाल्लाह से चलो कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा घर जी 2,500 रुपये सीजन में लाता था वो हफ्ता और बगैर सीजन का 1,000-1,200 कुछ ना कुछ आ जाता था दाल दलिया रोटी जी जी तो जब से नहीं है ये पता नहीं किसके बहकाए में किसके लालच में आके ये 15-20 दिन एक महीने से ये इस तरीके से झूठ सा घर में कर के बस ये हट गया काम से और फिर 1.5 साल हो गया जेल में कब से है जेल में तकरीबन 1.5 साल से हो गया 1.5 साल हो गया अब दो चीज़ें एक तो वो जो लेके आता था वो भी नहीं आ रहा घर पे जी एक जो आपका काम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है पेशी पे जा रहे हैं अदालत जा रहे हैं रोकना पड़ रहा है काम रोक के जाना जैसे कि आज रोका आज भी नहीं गया वहाँ गए लाइट हाउस गए पेशी में जाने के लिए हम एकदम तैयार थे मुलाकात के लिए उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठे यहाँ हम रात को मुलाकात के लिए भी जब कल फोन आया था कल फोन आया था कि आप पहले दफ्तर आएगा यहाँ से आपको कोर्ट ले जाएंगे मुलाकात का जो है जब आप जाते हैं जेल में तो वहाँ भी एक दिन पूरा गया होता होगा जब मुलाकात नहीं वहाँ का मुलाकात आधा दिन गया होता है तो हम लोग 2 बजे चलते हैं और 3:30-4 बजे वहाँ पहुँचते हैं आपको उम्मीद है कि वो रिहा हो जाएगा 3 लाख रुपए 3 लाख तो नामुमकिन बात है कि हम जैसे गरीब आदमी के लिए तो नामुमकिन है वो अल्लाह ही अगर रब्बुल आलमीन ने अगर कहीं से किसी को खड़ा कर दिया अल्लाह ने अपना मदद जारी कर दिया तो अल्लाह से बड़ी मदद किसकी हो सकती है जब अल्लाह ताला पे आपने छोड़ दिया जी, बस तो मैं यही यही तवक्कुल रखता हूँ फारिम भाई अब ये मामला आपके पास है आपके इल्म में है कानूनी मामलात के हवाले से आपको वैसे भी माशाल्लाह एक बड़ी ताकतवर और बड़ी एक दानिशमंद शख्सियत गर्दाना जाता है अल्लाह ताला आपसे बहुत अच्छे काम ले और ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह क्या मामला है 3 लाख हम बहुत सारे लोगों के लिए 3 लाख हैं कुछ भी नहीं इनके लिए बेटा है जिंदगी है बेटे की उम्मीद है आस है बिल्कुल बेटा है 3 लाख नहीं है बेटा है लेकिन आपने एक बात कही ना कि 3,000 रुपए किराया नहीं दे पा रहे तो 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे अगर 3 लाख होते तो 18 माह से वो जेल में ना होता बेगुनाह और उसकी सिर्फ सजा जो बनी वो सजा ये थी कि किसी लड़के ने किसी लड़के को मारा तो वो मोटरसाइकिल पे था तो उसने जब उसको रोका जो पीछे आ रहे थे मोटरसाइकिल वाले तो ये लोग रुक गए अपनी मोटरसाइकिल पे आपकी तो इस बच्चे से मुलाकात भी हुई है ना अंदाजा ही हो जाता है ना कि वो छोटा सा 11.5 साल का बच्चा किसको मारेगा क्या मारेगा वो सिर्फ मोटरसाइकिल पे रुकने की जो फोटेज आई उसकी सजा उसने भुगती फिर बाद में पता चल गया कि ये नहीं था इसको उसी ने रोका था ये नहीं मारा ये मार सकेगा इसका हाथ में कलाई भी नहीं जो मारेगा पीछे बैठा हुआ था वो हाँ माँ तो वैसे भी लेकिन ये तो इस मामले में तो हम सब भी जाहिर है नहीं किसी चीज में मुलव्वस नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ 40 ज्यादा से ज्यादा इस एज में बच्चों को थोड़ा सा वो कॉलर खड़े हो जाते हैं बाइक पे बैठ गए पीछे बस वो बैठे की सजा भुगत ली और ये अगर खुदा ना खास ऐसा कोई जुर्म किया होता तो जमानत तो मिल ही नहीं सकती थी सही बात है अदालती निजाम से बाकायदा जमानत मिली है बिल्कुल ऐसे मतलब है कि वो केस में झोल है और वो जाहिर है बिल्कुल और ये इकरार भाई देखिए अल्लाह ताला ने जो है ना कुछ रास्ते बनाने होते हैं 3 बच्चे अभी दूसरे रोजे को हमने छुड़वाए इसी के उम्र के थे 12-13 साल के बच्चे थे तो उधर पता चला उन्हीं बच्चों ने बताया कि एक और इधर बच्चा है जिसका कोई वकील भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो ये इल्म आया और मैंने आपको जिक्र किया था इसका कि भाई इस तरीके से अगर ये 3 लाख रुपए अरेंज हो जाए तो फौरी छूट जाएगा और केस इसका इंशाल्लाह फौरी तौर पर फिर खत्म हो जाएगा अच्छा मैं ठीक जबरदस्त मैं साथ साथ क्योंकि जो हमारा असल टारगेट है वो तो साथ बताते जाए तो मिस नूरा ने आज भी कॉल करके इब्तिदा की है क्योंकि हमें पहला टारगेट तो ये 3 लाख रुपए का है ताकि इनका बच्चा तो इनके पास वापस आए तो 3 लाख में से 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए हैं मिस नूरा ने अजमान से कॉल करके तो बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच ये 2.5 लाख रुपए का मामला आज हम डिटेल्स भी सारे भाई के सारी डिटेल्स चला रहे हैं सो दैट वेरी यही वो देख रहे हैं इस मामले को तो बिल्कुल आप मिस नूरा आप ये चाहें तो ये डायरेक्ट सारे भाई के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकती हैं वरना आपका हमसे रब्ता है आप हम पहुँचा देंगे जैसे आप मुनासिब समझें वैसे करें
बिल्कुल ये सर भी इस तरह के कितने केस हैं चंद हजार रुपए के इस तरह आप तीन बच्चों का बता रहे हैं उनपे भी तो खर्च आया होगा आपको कुछ उनपे भी खर्च आया और वो मासूम बच्चे 12-13 साल के बच्चे थे सिर्फ एक मामूली से झगड़े के अंदर उनको जो है ना बंद करवा दिया उनको तो होता यही है कि गरीब लोग इन बेचारों को तो हमारे बारे में भी नहीं पता होता क्योंकि टीवी तो होता ही नहीं इनके अंदर लाइट होती है तो इनको क्या पता कौन सारिम बढ़नी है या कौन क्या है या किधर से हमारी मदद होगी अगर वो बच्चे छुड़वाने हम ना जाते तो मेरा ख्याल है कि आज तक हमें इसके बारे में इल्म भी ना होता किसी को बताएं साहब डेढ़ साल 18 माह डेढ़ साल से 2 महीने ऊपर आप सोचें एक एक दिन जिंदगी का उस बच्चे की और इस माँ बाप की कैसी कितनी रातें कौन सी ईद गुजरी होगी रमजान कैसे गुजर रहा होगा वो हम कह रहे हैं 1.5 साल लेकिन वो 1.5 साल बेगुनाह जेल में 3 लाख रुपए मैंने उससे पूछा ना कितनी ईदें तो कहने लगा 2 ईदें मैं बोला 3 गुजरी होंगी तो कहता है नहीं तीसरी अब ये है 2 जो है जेल में गुजरी है तीसरी अब ये तो नहीं होना चाहिए ना ये तो नहीं होना चाहिए कि उसकी ईद खुदा ना खास्ता ये वाली ईद मेरा तो नहीं ख्याल कि ये होना चाहिए ये होगा अगर यहाँ आके बैठे हैं आपके पास आए हैं तो इसी उम्मीद से हम आपके पास आए हैं जी ये तो बड़ा अल्लाह ताला ने चाहा तो खातून हज़रात सारिम बनी ट्रस्ट इसके हाथ मजबूत कीजिए ऐसे बहुत सारे केसेस हम तो खैर रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ देख रहे होते हैं झेल रहे होते हैं बिल्कुल क्या क्या गुजरती है सारी डिटेल्स आपके सामने हैं आप उसको देखें बस ये है कि मुलाकात ईद जो है बच्चे की बताएं साहब इंशाल्लाह अपने घर पर होनी चाहिए इंशाल्लाह तो भी अदालत से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कितना नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट का काम है तीसरा मिनट भी नहीं लगेगा अच्छा 2 मिनट का काम है लेकिन लोग सपोर्ट करें सिर्फ एक इस बच्चे में नहीं और न जाने कितने बच्चे हैं उनके लिए और कितने लोग हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है उनके लिए अभी आज सुबह तक वो जेल में था आखिरी जो पेशी थी जी बिल्कुल जेल में ही था बिल्कुल जेल में चला गया वापस जी बिल्कुल जेल में चला गया ठीक है तो वह बच्चा इस उम्र में जेल में क्या करता होगा आपकी बातचीत हुई उससे मेरी बातचीत हुई है क्या सोचता है परेशान है इनके मैं कह रहा हूँ ना ये वो लोग हैं जो किराया लगा के कोर्ट या जेल भी नहीं जा सकते जिस तरीके से जाते हैं उनसे जरा पूछे तो सही क्या क्या होता है इनके पास जिससे वो जाते हैं वो मासूम सी बच्ची इनकी सेहतें देखें ये क्या रोटी खाते होंगे इससे अंदाजा होगा वो बूढ़ा आदमी इस उम्र में हम अपने बापों को बिठा देते कि आप बैठे आपके काम की उम्र नहीं है और वो कलर का काम कर रहा है इस उम्र के अंदर और वो भी तो बता रहे हैं कि लोग फिर कहते हैं कि तुम अपना बच्चा फिर या तो उसके बच्चे की पेशियां भुगत लो हमारा काम कर लो छोड़ दो हमारा काम कर क्यों हमदर्दी तो हमारे अंदर से खत्म हो गई ना बस लोगों में से और फिर ऐसा लगता है कि पूरा माशरा ही शायद ऐसा हो गया अभी लेकिन है हमदर्दी भी है बेहतरी भी है अभी और ठीक है एक अल्लाह के बंदे की कॉल है और वो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ने जो इस्तेदाद दी है उसके मुताबिक उनके घर का किराए की जिम्मेदारी वो कह रहे हैं कि अगर ये मुझे दे दें जज़ाकअल्लाह मैं बखुशी उसे कबूल करने के लिए अच्छा अच्छा इसमें देखें इकरार भाई यही इशू नहीं कि बच्चा आ जाए इसमें गरीब लोग हैं इनका साथ दें 3,000 रुपये महीना भी अगर कोई बांध दे तो घर का किराया तो निकल जाएगा उसके अंदर और जब घर का किराया निकलेगा तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी अच्छी रोटी खा सकते हैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बेहतर ज़िंदगी पर आ सकते हैं तो इन लोगों को चाहिए ये लोगों को चाहिए जो देख रहे हैं इनकी मदद करें और अब जो होने वाला है वो भी देखें अब जो होने वाला है वो हो वो गया भी देखें और बेटा हम ले आए हम तो ऐसे सारा माँ को फालिज है इसकी अच्छा। क्या बोल रहे हो क्यों रो रही है सबसे ज्यादा बहन रो रही है से मिलो भाई हाँ बीच में कहीं बैठ जाओ अब्बा के साथ ही पतले से तो हो तुम तुमने बेचारे ने क्या किया होगा इस आदमी ने क्या हाल है तुम्हारा माइक माइक ठीक ठाक हो जी माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट अब ये सोचें 1.5 साल पहले 18 महीने पहले इसकी हालत क्या होगी ये इसकी उम्र क्या होगी वो सेहत का आलम क्या होगा ये आज ऐसा है कि कोई यकीन न करे कि इसने कुछ बुरा किया होगा तो 1.5 साल 18 माह पहले क्या होगा ये फिर अभी तक कैसे 1.5 साल से मिल रहे थे बच्चे को सलाखों से जाहिर सामने मुलाकात अच्छा वैसे मुलाकात हो रही थी रूबरू मुलाकात हो रही थी जब हाँ बच्चों के लिए बारे में अलग उन्होंने रखा हुआ होता है अब कैसा लग रहा है आपके साथ बैठा हुआ है माशाल्लाह अब घर जाएगा यहाँ से आपके साथ जेल में जाता हूँ अभी ऐसे बैठता है अब लेकिन तब घर नहीं लेके जा सकते थे ना उसे नहीं नहीं अब आप इसे घर लेके जा सकते हैं बाप की आंखों में अब आंसू आए वरना बड़े मजबूत हुए बैठे हुए थे वो औलाद चीज ही ऐसी है तो बहना दिल में जब आता है ना लगता है तो आंसू जब है प्यारा बच्चा है तंग तो नहीं करता ज्यादा अपने बाप नहीं नहीं सहारा बन रहा था ना अपना आप तो अब ठीक हो जाएगा आप तो इंशाल्लाह और ज्यादा मेहनत करेगा मजदूरी करेगा अल्लाह इसको
بس یہ دعا کیجیے کہ اللہ سیدھی راہ پہ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, اللہ ان کو 1 سے 21 کرے. تو یہ ہم نے بدائم صاحب کل بھی کہا تھا کہ بھائی 60,000 روپے ہوں اور ایک ماں اپنی بیٹی سے نہ مل سکے تو ہو نہیں سکتا پرسوں, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ وسیلے بنانے والا ہے. تو ہم نے بغیر کسی کے تعاون کے, بغیر کسی کی مدد کے, اپنے طور پر ہی وہ بچی والدہ سے ملوا دی تھی. سارم برنی صاحب نے بھی یہ تو ہم ظاہر کہہ رہے تھے, اور ظاہر ہے اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہیں. سارم برنی ٹرسٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے بہت سارے کاموں کے لیے, تو وہ جتنا عطیہ ہو جائے گا وہ یقیناً ایسے ہی کاموں پہ خرچ ہوگا. لیکن اس وجہ سے اس کی رہائی کو روکا نہیں ہے کہ چونکہ اس کے نام پہ 3 لاکھ روپے نہیں آئے تو ہم اس کو کیوں رہا کروائیں. برنی صاحب نے اپنا الحمدللہ, اور یہ ایک بچہ نہیں, اس مہینے میں 4th بچہ ہے. میں نے کہا نا 3 وہ چھوٹے, تو اللہ نے اس کے لیے بھی راستہ بنایا. 2 عیدیں اس کی جیل میں ضرور ہوئی ہے, لیکن تیسری اپنے ماں باپ اور اپنے گھر میں. نہیں نہیں, آرام سے بیٹھو, بالکل آرام سے بیٹھو, بجا دے تعلیم, اس میں کوئی گھبرانے کی کیا بات ہے, دل کھول کے. اچھا جی, وہ اب ہم کر لیں گے, دیکھ لیں گے اگر تو عطیہ, بیکاز ہمارے جو اے آر وائی فیملی کے ہی ایک ماشاء اللہ روح رواں ہیں, وہ بہت دل کھول کر انہوں نے دل خوش کر دیا ہے. بس میں لفظ نہیں ہوتے کہ کس طرح ان کے لیے تعریف کریں اور کن الفاظ میں دعا کی جائے. دل سے دعا نکلتی ہے, آپ سب سے بھی درخواست ہے. تو انہوں نے 2 لاکھ روپے عطیہ کر کیے تھے اس بچے کی رہائی کے لیے. اب ہم دیکھ لیں گے کہ اس کو کس مد میں کس طرح سے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ عطیہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھیے, سو دیٹ سارم برنی ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط ہوں اور اس طرح کے اور بھی معاملات ان کی زندگی میں بھی بہتری آئے. تو اب مجھے بتاؤ, اب کیا ارادہ ہے, پڑھنا پڑھنا ہے یا بس کام کرنا ہے؟ یہ پڑھنا بھی ہے, کام بھی. پڑھنا ہے جیل میں, وہاں پہ تھا نا تعلیم کا کچھ انتظام؟ جی. کیا پڑھاتے تھے؟ وہ کمپیوٹر کلاس تھا, سلائی کلاس تھا, 2-3 قسم کے کلاس تھے. اچھا, اگر جس طرح بھی وہ ایک بندہ خدا نے گھر کے کرائے کا انتظام کر دیا, اس کو ہم اس طرح سے لے لیں کہ وہ اس کی تعلیم کا انتظام ہو گیا, ٹھیک ہے جی, تو آپ کے وہ کرائے کے پیسے بچ جائیں, تو وقتی طور پہ اس بچے کے لیے پڑھانے کا انتظام کر سکتے ہیں ہم کہ یہ پڑھتا رہے اور جتنے یہ ہفتے میں کما کر لے کر آتا تھا اس سے تھوڑے بہت کم بھی مل جائیں؟ نہیں, اگر پڑھنا چاہیں گے تو پھر ڈائریکٹ ہی پڑھیں گے, ہے نا, ایڈمٹ کر دیں گے, بہن پڑھ رہی ہے نا, بس یہ ذمہ داری میں لے لیتا ہوں, اسکول میں بہن جاتی ہے, بھائی بھی پڑھے, بس ابھی دونوں اسکول جائیں گے. آپ کا معاملہ اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے مل جل کے, کچھ آپ اور ہم مل کے کچھ نہ کچھ مینج کر لیں گے, دن کم کھا لیں گے, ایک دن کی روٹی کوئی بات نہیں. اقرار بھائی, ٹھیک ہے, یہ انگوٹھا دکھائیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے یہ جیل سے آ رہا ہے. ابھی جیل سے ہے, رہائی کے پروانے پہ انگوٹھا لگا کر. کیسا لگ رہا تھا گھر جانے کا سوچ کے؟ بہت اچھا لگ رہا. میں نے لگ رہا تھا ہم تمہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں, یہ کہاں آ گیا, میں گھر تو گیا ہی نہیں. نہیں نہیں, پتا تھا کہ اماں ابا کے پاس جاؤں گا. جی, تم خوش ہو لڑکی؟ جی. آپ دونوں بہن بھائی اسکول جاؤ گے ساتھ؟ جی. ساتھ پڑھو گے؟ اچھا اچھا, سا آپ ٹھیک ہیں, خوش ہیں؟ جی صحیح. دعا دیجیے سارے بھائی, دعا دیں, صحیح, ڈھیر ساری دعائیں دیں, جھولی اٹھا کے. یہ بہت کم بولتی ہیں. ہاں نہیں, کل ہم گئے تو کل بہت حوصلے میں تھیں کہنے, لیکن ظاہر ہے بیٹے کی بات ہوتی ہے. اللہ آپ کی فیملی کو بہت خوش رکھے. آمین. آپ نے بس اب ان دونوں کی تعلیم کا وعدہ ہو گیا اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سارم بھائی, آپ کے لیے سب سے درخواست ہے کہ دعا بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں سارم برنی ٹرسٹ. بالکل, میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا ہاتھ مضبوط کریں, اور نہیں مضبوط ہوگا تو ہم اتنے کام نہیں کر سکتے انشاءاللہ. انشاءاللہ, تو اللہ نے چاہا, دیکھیے آج یہ بچہ آ گیا, بچہ پڑھ لکھ جائے گا, ساری عبادات ساری نیکیاں اپنی جگہ, لیکن اگر یہ زندگی میں کچھ اچھا کر لے, جو کہ مجھے اس کے چہرے پر نظر آتا ہے, کانفیڈنٹ با اعتماد بچہ ہے, تو یہ پورے خاندان کی نہیں آنے والی نسلوں کی تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس کی پڑھائی ایجوکیشن سب سے بنیادی چیز ہے, وہ انشاءاللہ نہیں رکے گی. باقی اللہ نے چاہا تو معاملات ساتھ ساتھ اتریں گے. آپ میں سے جو جس طرح سے سپورٹ کرنا چاہے ہم براہ راست رابطہ کروا دیں گے, بالکل, سو دیٹ آپ ان کی فیملی کو سپورٹ کیجیے اور سارے بنی ٹرسٹ کو بھی. جزاک اللہ جی, بہت بہت مبارک ہو, آپ خوش رہیے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اور یہ آپ کے جو پیروں پہ اور ہاتھوں میں جو ابھی رنگ کے نشان ہیں نا, ان کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ اس عمر میں بھی ماشاء اللہ حلال رزق کے لیے اس طرح سے محنت کر رہے ہیں. بہت ساری تالیاں ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے, کار صاحب سارے بھائی, جنہوں نے یہ سارا کام انجام دیا. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ کوئز کا, یعنی کہ شان علم.